कभी कभी अनजाने में ही हम ऐसा काम कर बैठते हैं जो कानून व देश की मर्यादा के खिलाफ हो जाता है। ऐसा ही कार्य घरोंडा की श्री रामलीला कमेटी की देखरेख में बन रहे रावण के पुतले से हो गया। दरअसल हर साल की तरह स्थानीय कमेटी दशहरे पर रावण दहन के लिए पुतले का निर्माण करवाती है और इस बार भी करवाया गया, लेकिन इस बार रावण को तिरंगे के रंग में रंग दिया गया। और इस और जब सच कहू ने रामलीला कमेटी को अवगत करवाया तो तुरंत रामलीला कमेटी ने इस और संज्ञान लेकर इसका रंग बदलने का काम शुरू कर दिया और दहन से पहले इसे दूसरा रंग दे दिया। वहां पहुंचे स्थानीय लोगों ने भी इस बारे में अपना विरोध दर्ज करवाया और कहा कि रावण को तिरंगे के रंग में दहन न किया जाए। अच्छा राजेश जी, आप ये रावण को देखने के लिए आए हो, आपने रावण का ये जो रंग भी देख लिया, तिरंगा कुर्ता है, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, जो हमारे हिंदू समाज के खिलाफ है ना, जो हमारा जो तिरंगा होता है ना, वो वही रंग इन्होंने इस रावण का बना रखा है। बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है ना, ये हमारे देश का प्रतीक है ये रंग, तीनों केसरिया और सफेद और ये हरा, और इन्होंने रावण को रूप दे दिया। तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कमेटी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बीच में जो रंग सफेद नजर आ रहा है वह दरअसल सिल्वर कलर है, लेकिन कैमरा में वह सफेद नजर आता है, लेकिन फिर भी हम राष्ट्र की अस्मिता जो तिरंगा है उसका सम्मान करते हैं और वह हम सबको प्यारा है, इसलिए हम ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहते जिससे देश के सम्मान को ठेस पहुँचे, इसलिए रंग को बदला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूँ जी। कि आप जो है रामलीला कमेटी के संज्ञान में ये मामला लेके आए जी, शायद हमारे पास सबसे पहला फोन आपके ही आया था जी, और मैंने यहाँ पर देखा बीच में जो है सफेद रंग ना होकर सिल्वर रंग है जी, लेकिन वो दूर से जैसे फोटो खींचते हैं या दूर से देखा जाता है तो वो सफेद रंग नजर आता है जी, और तिरंगे का सम्मान हमारे लिए भी उतना ही जरूरी है जितना सभी राष्ट्रवासियों के लिए है जी। हमने साथ के साथ कार्रवाई को शुरू कर दिया है और इस कलर को जो रंग मल्टी कलर अलग अलग कलर है, हरा, ऑरेंज और जो सिल्वर कलर है जी, इसको बदलने की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है।